में सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि आईन और कानून सुप्रीम है, एहतसाब से नहीं घबरा रहे। हम तो भाई नैब में अपीयर हो रहे हैं ना, अभी से नहीं हो रहे, पिछली गवर्नमेंट में भी शुरू कर दिया था इन्होंने। खास तौर पे पिछले 2.5 साल में मेरे ख्याल है जो सामने इधर हम बैठे हैं तकरीबन सभी अपीयर हो चुके हैं। हमारा तो डर वर्क है, डरना तो दूर की बात है, हम ना पहले कभी डरे ना आप डरेंगे। जब हमारे कारकुनान ने कोड़े खाए तब नहीं डरे। और कौन रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाला, कौन सा डेमोक्रेट इस लॉ की सपोर्ट कर सकता है? आप वो देख ले 2002 से लेके 2007 का कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस कानून के तहत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत वकीलों को सोसाइटी के लिए एराजी देंगे, लेकिन अदालती फैसले के बायस रुके हुए हैं। हर इदारा अपनी हुदूद में रहे तो मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। जो आपकी लॉयर्स कॉलोनी की जमीन है, जहाँ तक मुझे पता है, इससे मुझे सुबह पता चला था कि मुझे ये मार्ग भी है, उसका पता भी है, बट बिकॉज ऑफ दी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो कुछ रुकी हुई है। मैं मुर्तजा से कहा है कि इसका हल मुझे बता दें ताकि वो ज़मीन ओके और उस पर क्लियर ऑफ ऑल इनकम्बेंसेस आपको मिल जाए। इंशाल्लाह ताला ये हम करेंगे जल्द से जल्द, और अगर आपकी कहीं मदद की जरूरत हुई कोर्ट के अंदर तो वो आपसे हम कहेंगे कि आप खुद अपना केस लड़ें और हुकूमत सिंध को भी वो जो आईनी और कानूनी पावर्स हैं जो कि खामखा कदम लगाई हुई है। मुझे मैं वो बताना नहीं चाहता, आपने आप लोगों को कल पता होगा, शायद पता हो, हर इदारा अगर अपने दायरे में रहेगा, अपने आईनी दायरे में रहेगा तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने आईनी दायरे से बाहर, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी आप नाम ले लें, प्रॉब्लम्स पैदा होंगी।